हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊंगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं वो इस रासायनिक पदार्थ डीएनए से ही बने होते हैं, और इन जीन्स के द्वारा ही हमें मानसिक और शारीरिक गुण प्राप्त होते हैं। ये मानसिक और शारीरिक गुण हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, जो कि इस डीएनए के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात जीन्स के द्वारा हमें रंग रूप आकार आकृति आदि विशेषताएं प्राप्त होती है, जो कि हमारे पूर्वजों की होती है, यानी कि हमारे माता पिता या दादा दादी नाना नानी की होती हैं। डीएनए ही हेरिडिटी का वाहक है, यानी कि डीएनए ही वंशानुक्रम का वाहक है। इसी से हमें अपने पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं। डीएनए की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। जीन्स डीएनए का ही एक अंश है। इन्हीं जीन्स से गुणसूत्र या क्रोमोसोम की रचना होती है। एक क्रोमोसोम में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। फीमेल में ओनली एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं तथा मेल में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम एक पेयर में पाए जाते हैं, चाहे मेल में हो या फीमेल में, दोनों में ये गुणसूत्र एक पेयर के रूप में यानी कि एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। मानव की सेल के केंद्रक में 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल की सेल में केवल मैच क्रोमोसोम यानी कि सेम क्रोमोसोम होते हैं, यानी ओनली डबल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल की सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर तो मैच होते हैं यानी कि सेम होते हैं, और 23वां जोड़ा होता है जो वो डिफरेंट होता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। वैसे मानव की जो सेल्स होती है उसमें वाई वाई पाए जाते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं। इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा तथा वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, जो कि फीमेल की सेल के केंद्रक में सभी क्रोमोसोम का साइज सेम होता है। एक पेयर जो कि 23वां पेयर होता है उसका साइज कुछ बड़ा होता है। फीमेल के इस पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जब माता पिता के क्रोमोसोम मिलते हैं तो तभी बच्चे को कुछ गुण माता से तथा कुछ पिता से प्राप्त होते हैं, कुछ गुण नाना नानी से, कुछ गुण दादा दादी से भी प्राप्त होते हैं। माता पिता से प्राप्त जीन्स में जिनके जीन्स अधिक पावरफुल होंगे उन्हीं के संबंधित गुण बच्चे में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम अक्सर कई बार सुनते हैं या देखने को मिलता है कि एक बच्चा या तो अपनी माता पे या अपने पिता पे ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें मम्मी या पापा के जो गुण होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो प्रबल थे, और उनके जीन्स के द्वारा ही बच्चे को ये विशेषता उसके माता से या पिता से मिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।